हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद नीट के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने नीट एक्सपीरियंस के बारे में। आप मेरे से बहुत बार पूछते हो हमेशा कि दीदी मेरे अभी 300 आ रहे हैं, मेरे 400 आ रहे हैं, मैं ऐसे पढ़ लूँ वैसे पढ़ लूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? आप मुझसे पूछते हो, आपको नहीं पता है ना यार। मैं समझ सकती हूँ अनसर्टेनिटी होती है। आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने वाली हूँ सिलेक्शन के बारे में जो आप सुन के चौंक जाओगे। और अगर आप ये अभी तक नहीं समझे हो इस सच को, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सब लोग एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात कहने वाली हूँ अभी, ठीक है? बहुत ज़रूरी बात। हो सकता है कुछ लोगों को खटक जाए ये बात, कुछ लोगों को ये बात गलत लगे, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सुन लो गौर से मेरी बात। अगर आप सेल्फिश नहीं हो अपने सिलेक्शन को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने तैयारी को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, तो कोई और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है? लिख लो, आपके माता पिता भी नहीं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मैंने अपने घर में भी देखा है कि कैसे लोग, अपने क्लोज रिलेटिव्स में भी देखा है कि कैसे लोग अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर थोप देते हैं कि घर में ये हो रहा था, घर में वो हो रहा था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा तो तबीयत ख़राब हो गया, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर मैं आपको बता देती हूँ, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, अगर आप सेल्फिश हो। मैं डिटर्मिनेशन शब्द नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है। आपको आसान भाषा में समझाऊँगी सेल्फिश होना कितना ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सेल्फिशनेस फॉर योर गोल, द हंगर फॉर योर गोल। वो ललक जो होती है ना, आपको जब तक साइटिटी नहीं मिले आपके टेस्ट को करने से, आपके चैप्टर को ख़त्म करने से, आपका डेली गोल ख़त्म करने से, तब तक समझ लेना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लोग क्या करते हैं बच्चे, दुनिया भर का न्यूज़ उनको पता है, पर कल कौन सा टेस्ट होने वाला है, कल क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा बॉलीवुड में क्या हो रहा है उसकी परवाह है, पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी परवाह है, किसी ने क्या बोल दिया उसकी परवाह है। मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरे पीजी में कितने लोग रहते थे मुझे उससे मतलब नहीं था। मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, एक दीदी थी बस उससे बात करती थी, और अनीता को आप जानते हो, उससे भी समझ लो मैं उससे बहुत कम बात करती थी। उसको शौक फील होता था कि मैं उसको इतना रफ क्यों उससे बात करती हूँ, आपको कभी मैं इंटरव्यू में सुना दूंगी। शुरू में जब वो मेरे कमरे के बाहर रहने आई थी, मतलब बाहर एक रूम था, मैं उससे बहुत गंदा बिहेव करती थी क्योंकि मैं किसी भी लोग से दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार आप दोस्त बनाओगे आपका टाइम वेस्ट होना वहीं पर शुरू, ठीक है? मैं उससे बहुत गुस्सा होती थी कि वो क्यों आई, लेकिन वो फिर भी आई। पर मेरा भाग्य अच्छा था कि वो लड़की बहुत अच्छी थी और वो आखिरकार मेरा टाइम वेस्ट नहीं, मुझे मदद किया उसने, ठीक है? हम दोनों फिर साथ में दोस्त बन गए। लेकिन मैंने सोच लिया था, मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता था कि इतना ख़राब किसी के साथ बिहेव नहीं करना है, इतना कोल्ड लुक्स किसी को नहीं देना है। कोई अगर बात कर रहा है तो मैं उससे इतना रफली बात करती थी कि वो बंदा दोबारा मेरे से बात नहीं करे, मेरे से दोस्ती करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मुझे पता है एक एक सेकेंड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। मैं जब कोचिंग जाती थी मैं फ्रंट बेंच पे बैठती थी, मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या कर रहा है क्लास में, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता था कि जो मैं आज सीखने आई हूँ मैंने सीखा या नहीं। मैं डाउट सेक्शन में जाती थी, वहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है? मैं आगे खुद से होता है ना, आई वॉज एक्चुअली इन अ रैट रेस, एंड समटाइम रैट रेस इज़ नॉट बैड व्हेन इट इज़ गोइंग टू यू नो चेंज योर लाइफ, ओके? सो इट वॉज लाइक दैट, आई वॉज चेजिंग इट एंड यू नो एक पॉइंट के बाद वो चेजिंग जो है आपका एक पुलिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द पुलिंग इफेक्ट। मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज किया पढ़ाई करने में अपने गोल के तरफ कि मुझे जाना है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। घर में मेरे शादी थी, ठीक है? मैं बता रही हूँ, मतलब मेरी अपनी कज़न जो बहुत क्लोज़ है, जिसकी शादी के सपने पता नहीं, मैं बचपन से हम दोनों साथ में देखते थे कि उसकी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, उसकी शादी तक मैंने अटेंड नहीं की। यही होता है प्रायोरिटी, यही होता है सेल्फिशनेस। मेरे घर में गेस्ट आ जाते थे,
मैं पापा को साफ बोलती थी कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रात में रुकेगा, एंड माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड दे हेल्प मी। और वो किसी को नहीं रुकने देते थे, क्योंकि देखो मेरा घर छोटा सा था उस समय, ठीक है, 2-3 कमरे थे। अब गेस्ट आ जाएंगे तो बातें तो होंगी। अपना एक एक मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में इस्तेमाल किया था। अरे मुझे जब कन्फ्यूजन भी था ना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तब भी मैंने पढ़ने में ही उस टाइम को इन्वेस्ट किया। तब भी मैं पढ़ती ही रहती थी, कि मुझे इतना तो पता था कि मेरा मेहनत एक दिन फल तो ज़रूर देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इतना समझो अभी आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही है, आपको कौन कौन से न्यूज़ के बारे में बताया, आपको क्या क्या चीज़ें अभी दिमाग में आपके आती है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट, आपका सिलेबस, आपका कंप्लीशन के बारे में चल रहा है, नॉट अबाउट द सिलेक्शन, आप समझ लो आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप अपने गोल के प्रति एकदम सेल्फिश हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, आपके ज़िंदगी में अदर देन योर सिलेक्शन क्या हो रहा है, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो रहा है, वो चीज़ें एक्साइट कर रही है, तो समझ लो आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट हो रहा है जो 8th class से 12th class के बच्चे दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। आपको प्रॉपर OMR वगैरह मिल जाएगा, उस पर दे सकते हो। ये टेस्ट जो है आपके 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आपको मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, और कोड है वो आप यूज़ करके इनरोल कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको 90% तक आपके प्रोग्राम्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और इनका काफ़ी अच्छा अच्छा रिवॉर्ड्स भी है, जैसे कि आपका मैकबुक एयर हो गया, फिर आपका आईपैड हो गया, फिर अमेज़ॉन के वाउचर्स वगैरह हो गए, तो क्यों ना इनरोल कर लें। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताया, क्या आपको ये न्यूज़ एक्साइट कर रहा है या किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है? क्या ये आप सोच रहे हो कि दीदी ये न्यूज़ क्यों सुना रही है, या फिर ये सोच रहे हो कि हो रही है जाके मुझे टेस्ट देना है? यहीं पर पता चलेगा कि आपका माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर अभी आप थ्रिल्ड हुए ये जान के कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो भैया एक हार्ड ट्रुथ है, दुनिया को बुरा मानना है मान ले, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके डिटर्मिनेशन, आपके सेल्फिशनेस के कारण लोग आप ही की पूजा करेंगे, लोग आप से ही पूछेंगे कि कैसे हुआ सिलेक्शन, लोग आप ही का मेथड अप्लाई करेंगे कि उस बंदे को दुनिया में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो अपने भाई के शादी में नहीं आया, वो तो अपनी बहन के शादी में नहीं आया। आप भले ही लोगों से कम बात करो, भले ही कम दोस्त बनाओ, भले ही कोल्ड बन जाओ, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन पढ़ाई में भी मैं कहती हूँ ना कि लोगों को मदद करो पढ़ाई करने में, लेकिन तब जब आपने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसके बावजूद आप जाओगे दूसरे को मदद करने, क्योंकि एक बंदा एक क्वेश्चन में अटक गया है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा देखा है और मैंने भी ऐसा किया है। जो टॉपर होंगे वो क्या करेंगे ना, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, जो बहुत तेज़ है, वो किसी वीक स्टूडेंट को भी पकड़ लेगा और उससे उसको बोलेगा यार ये सवाल नहीं बन रहा। अब वो उसको यूज़ करता है, उसको एक्सप्लेन करेगा, वो उससे पूछेगा यार बता कैसे हुआ। अब जब वो तेज़ बंदा उसके साथ डिस्कशन करता है, और वो कमज़ोर बंदा ये सोचता है कि इस बंदे ने मेरे से पूछा मतलब मेरे में तो कोई बात है, पर नहीं, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको नो डाउट एक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा, आपको एक सवाल ज़रूर बन जाएगा, लेकिन मदद सिर्फ यहाँ पर उसकी ही मेजरली हो रही है। तो आपको इस चीज़ का शिकार नहीं बनना है। अगर आपके पास फालतू टाइम है, आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो आप जाएँ सवाल समझें, लेकिन पूरा का पूरा टाइम नहीं दे उस चीज़ में। अगर आपका 1-2 घंटा टाइम जा रहा है, 5 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आप सेल्फिश हो जाओ, आप 10 दिन सिर्फ सेल्फिश होके देखो, आप ही मुझे बताओगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लोग ये बोलने लगे कि यार ये बंदा बड़ा अजीब है यार, किसी से बात ही नहीं करता, कितना अजीब बिहेव करता है, वो तो दिखता ही नहीं है, आप समझ जाओ आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सेल्फिशनेस, ठीक है, बहुत ही हार्ड ट्रुथ है। आपको थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा दूसरे के लिए, तभी आप अपने के लिए अच्छा बन सकते हो। वो कहते हैं ना, पहले खुद की जय करो के बाद दूसरे का भला करना। वो एरोप्लेन पे सुनते हो ना सेफ्टी टिप्स, कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की मदद करें, क्योंकि अगर आप खुद फुलफिल नहीं है, तो आप किसी और को हेल्प नहीं कर सकते, किसी और की झोली नहीं भर सकते। इसलिए पहले खुद को सेटिस्फाई करो,
बस इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर मुझे तुम खुद इस वीडियो पर कमेंट करके बताओगे कि दीदी मेरा इस साल सिलेक्शन हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये जज्बा चाहिए। अगर आपको और मदद चाहिए, आजकल मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, आजकल मैं बायो में थोड़ा बहुत पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मर्जी हो कि आप कम से कम टाइम में पूरा NCERT डिकोडेड चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्प NCERT मिलेगी, ठीक है, बायो की। सो गो ऑन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो रही हो जिंदगी में मेरे वीडियो के थ्रू, तो एक लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।